तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर नील के इस मस्ती भरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ दिखाने वाला हूं, जो कि मेरे बगल में आपको दिख ही रही होंगी। कुछ इस तरीके का टी स्टॉल बोल दो या और कोई प्रकार के भी स्टॉल में आपको आप इसको आपके बिजनेस में बिल्कुल यूज ले सकते हो। और ये जो स्टॉल है ना, बिल्कुल पूरा फोल्डिंग है, यानी कि इसके एक एक पार्ट अलग हो जाते हैं, जिससे आपको कहीं भी ले जाने को और कहीं भी इसको सेट करने को बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है कोई भी रोड साइड जो बिजनेस होता है वो करने के लिए। खास करके हमने ये हमारे भैया उनके लिए बनाया है, और ये किस तरीके से बनाया है इसकी वीडियो में मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप देख लेना कि ये मैं इंस्टॉल मैंने किस तरीके से बनाया। तो दोस्तों, इसकी प्राइसिंग की बात करूंगा और इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ उसकी भी पूरी जानकारी आपको मैं आज की वीडियो में देने वाला। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए फटाफट से रोल दी इंट्रो करते हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉल के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि इसमें मैंने कौन से पाइप यूज़ किए हैं। तो ये जो पाइप है, मैंने एक इंच पाइप में इसकी जो पूरी टोटली फ्रेमिंग है उसकी टोटली फ्रेमिंग मैंने 1x1 के तकरीबन 6-7 किलो वाले पाइप यूज़ किए है, जिसकी वजह से क्या बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बना, यानी कि हेवी नहीं बना है, कि अपने को कैरी करने में भी बहुत आसान होता है। उस हिसाब से मैंने इसमें जो पाइप यूज़ किया है वो 1 इंच पाइप यूज़ किया है। उसी के बाद अगर दोस्तों मैं बात करूँ ना, तो इसमें जो मैंने ये दिख रही है आपको प्रोफाइल शीट का बहुत ही शानदार तरीके से यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है इसका जो लुक है ना, जो लुक होता है वो बहुत ओवर के आता है। ठीक है, अगर अपने को सीट में ये कलर पसंद नहीं है तो अपन दूसरा भी कलर मार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो अपने मन में है वो भी कलर मार सकते हैं। उसी के बाद मैंने इसमें कुछ इस तरीके की यहाँ पे कैनोपी बनाई है, टोपी बनाई है, जिसकी वजह से इसका लुक जो होता है वो और ही शानदार बन जाता है। उसी के बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने कुछ इस प्रकार के हुक लगाए हैं, जिसमें हमको क्या है, जैसे अगर कुछ चीज़ लटकाना हो, जैसे लाइटिंग वगैरह लटकाना हो तो इजीली हम इस पर टंगा सकते हैं, या फिर अगर आपका चाय का बिजनेस हो तो चाय के जो डिस्पोजल होते हैं वो भी आप इस पर लटका सकते हो, कप लटका सकते हो। उससे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखेगा और बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाती है लोगों को आकर्षित करने के लिए। उसी के बाद अगर इसकी स्पेस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का इसका पीछे से जो इंटीरियर होता है, कुछ इस तरीके से हमने इसका पीछे का इंटीरियर बनाया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बढ़िया प्लाई दी गई है, जिसके ऊपर हमारा जो स्टैंड है, जो मतलब चूल्हा है वो रखा जाएगा यहाँ पे, और बहुत सारा स्पेस है, जैसे यहाँ कप वप रख सकते हैं तो दिक्कत की बात नहीं। उसी के बाद नीचे देखोगे तो नीचे जो हमारी टंकी देखने के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है अपने को, तो दिक्कत की कोई भी बात नहीं, इतना सारा स्पेस मिल जाता है तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इसका इंटीरियर था, एंड इसके बाहर के बारे में भी मैंने बाहर मतलब किस तरीके के पाइप यूज़ करे, किस तरीके से हुक लगाए, अब ये मतलब इसकी जो टोटल जानकारी थी मैंने आपको बता दी, और पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, जिनको अगर ऐसा कुछ बनाना है हमारे जो फेब्रिकेशन के भाई है तो वो मेरी वीडियो पर जा देख सकते हो कि ये मैंने जो टी स्टॉल है किस तरीके से बनाया। तो इजी मेथड है, बहुत इजी तरीके से मैंने बनाया है, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाके आप वीडियो देख लेना, प्रॉपरली आपके समझ आ जाएंगे किस तरीके से मैंने इस स्टॉल को। अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो इसकी जो प्राइस रखी है बहुत ही लो रेट रखा है मैंने, जो कि आपको 6,500 में मैं अवेलेबल करा दूंगा, और जहाँ कहीं भी भिजवाना है वहाँ भी भिजवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा रहेगा वो आपके तरफ रहेगा, और जिस किसी को भी मेरे को ऑर्डर देना है तो नीचे स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट करके इसका ऑर्डर दे सकते हो। दोस्तों, जिस किसी को भी ऑर्डर देना है तो ही कॉल करना, क्योंकि क्या है हम कॉल से बहुत परेशान हैं, जिनको नहीं लेना रहता है वो भी हमें कॉल करके परेशान करते हैं। तो कृपया आपसे निवेदन है कि जिन किसी को भी लेना है वही सिर्फ मुझे कॉल करे अथवा ना करे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का था स्टॉल, मैंने इसकी पूरी डिटेल दी कि मैंने किस तरीके के इसमें पाइप यूज़ करे, एंड किस तरीके की इसमें सीट यूज़ करी, एंड किस तरीके का इसका स्पेस है, और कैसा इसका लुक आता है, और कैसी ये फोल्डिंग अनफोल्डिंग होती है, तो करी थी आपको मैंने सब दे दी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।